लोकसभा चुनाव 2024 में कौन मारेगा बाजी, एनडीए या इंडिया गठबंधन, सर्वे में देखिए किसको कितनी सीट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी नित एनडीए और कांग्रेस के साथ वाले इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से मुकाबला है। इस बीच 2024 के आम चुनाव के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं। ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत बड़ी चुनौती दिखा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को दक्षिण में निराशा हाथ लगी थी। ऐसे में देखना होगा कि सर्वे में किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान सताया जा रहा है। सर्वे में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इसी तरह कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक कुल 110 सीटें आती है। इन राज्यों में यानी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की 110 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 82 से 92 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 13 से 23 सीटें, अन्य खाते में 4 से 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस तो कर्नाटक में बीजेपी। सर्वे के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। तेलंगाना में पार्टी विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को 38% वोट मिलने की बात कही जा रही है, तो वहीं बीजेपी को 21% वोट मिलने की बात की जा रही है। सर्वे में कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। पार्टी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। इसी तरह दो राज्यों की 45 के हिसाब से भी बीजेपी कांग्रेस से बेहतर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पिछले बार के प्रदर्शन में सुधार करती नजर आ रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से बीजेपी खाता में 1 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाता में 9 से 11 सीट जा सकती है और बीआरएस खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं सताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा की बल्ले बल्ले, छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहरा सकती है। सर्वे में बीजेपी को 11 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि 11 में से 9 से 11 सीट अपने खाते में कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 55% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 37% वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। वहीं अन्य के खाते में 8% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में भी बीजेपी का जादू, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार पार्टी यहां लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है। बीजेपी को यहां लोकसभा चुनाव में 57% वोट मिलने का अनुमान सताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां पर 34% वोट मिलने का अनुमान है। ऐसे में दोनों ही दलों के बीच वोट प्रतिशत में बड़ा अंतर है। अगर ये सर्वे सही हुए तो राजस्थान में बीजेपी को 3-स्टार रेटिंग यानी कि 100% सीटें मिलने का अनुमान सताया जा रहा है। बीजेपी को यहां पर 23 से 25 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 0 से 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में फिर भगवा, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में फिर से भगवा के चमकने की उम्मीद है। सर्वे में बीजेपी यहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव वाले प्रदर्शन दुराती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर 58% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में जा सकता है 36% वोट शेयर। यहां पर संतोषजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 27 से 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में क्या पीएम नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे या फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से अपना बुलंद इरादा अपने खाते में यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पटकने देकर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी या अन्य कोई भी पीएम बना सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। इस बार 2024 के चुनाव में पटकनी खा जाएंगे। आइए आज हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों पर किसकी जीत होने वाली है, मोदी वर्सेस ऑल। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीट आती है, तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 29 लोकसभा सीट में से नरेंद्र मोदी को 26 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को नेता बनाया जाता है तो 3
तीन सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। नागालैंड की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट आती हैं। सभी 4 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अदर पार्टी को भी 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर 34 में से 31 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी यहां पर बाजी मार सकते हैं। ऑल के यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। आइए हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। और गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी को मिल सकती है इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट। अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट आती है। 7 में से एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को 7 की 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी को यहां पर 0 यानी कि मुंह की खानी पड़ सकती है। मोदी वर्सेज ऑल की बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 45 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 42 सीटें, तो ऑल को यहां पर यानी कि इंडिया अलायंस को यहां पर 3 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा सताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीट आती है। 6 में से यहाँ पर 3 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एनडीए खाते में 3 तो इंडिया गठबंधन खाते में भी 3 सीटें जा सकती है। केरल राज्य की, जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा सीट आती है। 20 में से एनडीए खाते में 0 सीट यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 0 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 18 सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। मोदी वर्सेज ऑल यानी कि मोदी को 45 सीटें 24 सीटों पर, ऑल यानी कि इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट आती है। 17 में से एनडीए खाते में 10, इंडिया गठबंधन खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। और बात कर लेते हैं तेलंगाना के बाद पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है और यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी एक तरफा जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार नरेंद्र मोदी को 67 सीट, ऑल के खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। गुजरात राज्य की, जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीट आती है। 26 में से यहां पर एनडीए खाते में सभी 26 की 26 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 126 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। और इन ओपिनियन पोल में बीजेपी खाते में 93 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 93 सीटें, ऑल के खाते में यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 1 पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 11 और अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 139 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 94 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 40 सीटें, अदर पार्टी खाते में 5 लोकसभा सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। मेघालय की, मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। कर्नाटक राज्य की, जी हां दोस्तों, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट आती है।
और यहाँ पर 28 में से एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को 23 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट ही आ पाएगी, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीट है, 21 में से 10 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट आती है, 42 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 20, इंडिया गठबंधन खाते में 22 लोकसभा सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन खाते में 69 यानी कि ऑल के खाते में यानी कि सभी पार्टियों के खाते में 69 सीटें जा सकती है। मोदी खाते में यहाँ पर 149 सीटें जाने की संभावना इस तक जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी को कितनी सीट मिलेगी 2024 के चुनाव में? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन का खाते में 0, अदर पार्टी का खाते में 0 सीट। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट आती है, 5 में से सभी 5 की 5 लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंडिया गठबंधन के खाते में 0, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना तेज आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर है एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। जी हां दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, 80 लोकसभा सीटें आती है, 80 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो देख रहे हैं एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 70 लोकसभा सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के गठबंधन को यानी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी को यहाँ पर 5 लोकसभा सीट पर ही जीत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 321 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर मोदी खाते में 243 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी को 243 सीटें मिल सकती है और इंडिया गठबंधन के यानी कि ऑल के खाते में 74 लोकसभा सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। 14 अन्य पार्टियों को मिल सकती है। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 13 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 336 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 247 सीटें नरेंद्र मोदी के खाते में और 75 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि ऑल पार्टियों के खाते में जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट आती है, 40 में से एनडीए खाते में 29 लोकसभा सीट जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 11 लोकसभा सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 376 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 276 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार यानी कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 86 लोकसभा सीट ही मिल पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं? तो आपको क्या लगता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जा सकते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, 39 में से 18 पर एनडीए, 21 पर इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 294 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 107 सीटें, अदर पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा राज्य की, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट आती है, 10 में से एनडीए खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एनडीए खाते में 305 यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 305 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 109 सीट, अदर पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जा सकती है। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 3, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं लोकसभा की 500
43 सीटों में से 473 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 342 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 117 सीट, अदर पार्टी के हाथ में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दादरा नागर हवेली की एक लोकसभा सीट और एक की लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन के हाथ में 0, अदर पार्टी के हाथ में 0 सीट। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट और एक की लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन के हाथ में 0, अदर पार्टी के हाथ में 0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 15 पर एनडीए इंडिया गठबंधन के हाथ में 0, अदर पार्टी के हाथ में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 25 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के हाथ में 0, अदर पार्टी के हाथ में 0 सीट। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन के हाथ में 0, अदर पार्टी के हाथ में 0 सीट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी का 0-0। असम राज्य की 14 लोकसभा सीट आती है, 14 में से 13 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन का 1 सीट, अदर पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो सभी 543 सीटों के ओपिनियन पोल की सटीक जानकारी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को यानी कि मोदी वर्सेस ऑल की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 400 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर 400 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऑल यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 119 सीटें ही आएगी, अदर पार्टी के खाते में 24 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो साल 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लाकर वो 400 सीटों के पार पहुंचती नजर आ रही है। और आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।